राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दो दिन के ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी किशनगंज में आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे। धूलीमारा में दिन के समय राहुल गांधी आराम करेंगे। वहीं अररिया के यादव कॉलेज मैदान में आज राहुल गांधी के न्याय यात्रा का रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम है। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश करने वाली है। आपको बता दें कि दो दिन का ब्रेक लग गया था, अब दो दिन के ब्रेक के बाद आज से यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है और आज यात्रा बिहार जिले में प्रवेश करने वाली है। अधिक जानकारी आपको दे दें कि 1 फरवरी को बंगाल से आ चुकी है आजाद नहीं मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। यात्रा बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर की ओर जाएगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश करेगी और मुर्शिदाबाद से यात्रा करने के बाद 1 फरवरी को राज्य से आगे रवाना हो जाएगी। आज से फिर शुरू स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी की मन से पूछो हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ सबके हक। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अररिया पहुंचेगी। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा दो दिन के ब्रेक के बाद 28 जनवरी से फिर से शुरू कर दी गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में न्याय यात्रा में फिर से शामिल हुए हैं। धूलीमारा में दिन के समय राहुल गांधी आराम करेंगे। वहीं उसी के बाद अररिया के यादव कॉलेज मैदान में आज रात्रि विश्राम करना प्रस्तावित है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश कर जाएगी। आपको बता दें कि दो दिन का ब्रेक लग गया था, जिसके बाद 28 जनवरी से इस यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया और आज ये यात्रा बिहार जिले में प्रवेश करेगी।